दस करोड़ रुपए मांग रहे हैं। सबसे महंगा बर्ड कितने का बिका? 2 मिलियन। एक लव बर्ड, वाओ माशाल्लाह। और आपने को मंगना है, बंदे को तो नहीं मांग रहे, बंदे तो 10 रुपए नहीं देंगे आजकल। तेरी मेहरबानी, इंग्लिश सिखा दे यार। आज सुबह लेट आंख खुली है तो दोपहर कुछ कार्गो होने थे तो इसने पहले एडवांस पे पैक कर दिए। ये चार जोड़े माशाल्लाह कराची जा रहे हैं एक बहन को, ये चार उनके हैं, और ये एक जोड़ा इस्लामाबाद जा रहा है कार्गो के लिए रवाना। कार्गो वाला जवान निकल गया, अब मेरी तैयारी आगे निकलने की। इरफान चौधरी अंकल के पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाना, मैं अकेला जा रहा हूँ। इरफान चौधरी को लेकर किसी जगह पे जा रहा हूँ। ओए हानिया, थैंक यू, बाय, लव यू। फ्रांस जो गया था ना, फ्रांस तो इंशाल्लाह ताला खरीदी। अच्छा फ्रांस, एंड ये पोर्चुगल, ये तो हम इकट्ठे गए थे अनारकली बॉस। वर्साची दी है। अच्छा तो और बड़े ये, अच्छा ये वर्साची वाली कहाँ की है बॉस? ये बॉस फ्रांस में गया था लेकिन है Made in Italy. लेकिन फ्रांस तो लिती सी। हाँ जी लिती फ्रांस तो सी। देखो बहुत सारी चीज़ पर लंडे चले जी, ये मेल तो ठीक आनी है ना, फ्रांस ही आनी है, क्योंकि फ्रांस ने बना की था लंडे। रहीम अली डिलो भाई और डॉक्टर फुरकान साहब ने बुलाया दावत पे, तो वहाँ पे डिस्कस होगा अपकमिंग इवेंट। चौधरी साहब अपने फ्रेंच और इटालियन ग्लासेस के साथ अभी इंशाल्लाह रवाना है। तो सर आपने इस दफा क्या प्लान बनाया इंशाल्लाह? बहुत सर ये ब्रीडिंग सीजन का म्यूटेशन बड़ी चंगी रख लेती है, अल्लाह को 10 करोड़ रुपए मांग रहा मैं। माशाल्लाह यार, मुझे एक बात हजम नहीं हो रही। हाँ। 10 करोड़ रुपए समझा, मैथमेटिक्स समझा मैंने यार। बहुत देर है, मेरी गल सुन, सीधा सौखा हल ही हर काम दे विच तुसी पिरजिया कहंदे हो, तुहानू समझ नहीं लगदी काम। और डन फेलो 100 बच्चा कढाया होवे, माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला कढा भी लैणा। 100 बच्चा तुसी डन फेलो तां कढाओगे ते सर आपे 8 करोड़ रुपए ते सीधा सीधा हो गया। यार मैं तुहाडे अगे रिक्वेस्ट ही कर रहा यार, देख पता की यारां दोस्तां मगर ते बंदा जान देण नूं फिरदा। तेरी मेहरबानी, इंग्लिश सिखा दे यार, मैं बंदा बड़ा डेली परेशान कर। आई आई तो अगे भी तो निकलन दे पै, जो मिनट बाद आई उथे ही अगे खराब। ओ एक नु इंग्लैंड तो भेज दिता ओ अब्दुल्ला नु, उन्ने भी ओए अब्दुल्ला बड़ा परेशान है, बहुत जेनुइन और रो रहा है। अच्छा जेनुइन अब्दुल्ला रो रहा है, कहंदे मैं पाकिस्तान नु मिस कर रहा। मेरा दिल इंशाल्लाह ताला गवाही दे रहा कि साडे को अल्लाह ने अन्नी पा दी रुपया दी, ये फिर जाके मक्का तेरा भी रट्टा वारी खरीदे गए वड्डा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े रुपये नहीं ऐतकी असि लोगों नु दसना कलो जी ए देखो अल्लाह दे तौकल करन दा फायदा। असल च साडे दिल बहुत रलदे नहीं ना, असि मंगने अल्लाह को, बंदे को मंगो, बंदे दे डांगा लग जी मारदे ने कि हुण कोई पैसे नहीं हैगे, कोई कहेगा मेरा बिजनेस कोई नहीं, कोई कहेगा मेरा लत पेंचर हो गई, लेकिन अल्लाह दी जात ने देना इंशाल्लाह ताला रज के देना। और ऐतकी बड़े रुपये नहीं बोस, जा तेरे वीरे ने तेन ऐतकी दसना वीडियो ते कि लो जी ए आया जे टावर दी इंज पेमेंट होगी, तू आ वेख लेना। अभी हम पहुंच गए हैं मॉडल टाउन क्लब, बड़ी खुशी हुई। शानी साहब भी पहुंच गए, अभी मीटिंग हमारी शुरू होने लगी है कि आने वाला इवेंट किसके बारे में है और इसके पीछे एजेंडा क्या है। आ गए हैं हॉबी के शाहरुख खान साहब। डिजिटल कॉन्फ्रेंस जो आप करने जा रहे हैं, ये जो सेमिनार है, इसके पीछे लॉजिक और इसके पीछे एजेंडा क्या है? जो बेसिक पर्पस है डॉक्टर फुरकान साहब, एवियन लेबोरेटरीज और डिनू एवरी का, जैसे कि आप खुद भी और सारे लोग जो हमारे बैठे हैं, वो एवी कल्चर को ओवरऑल प्रमोट कर रहे हैं। हम लवबर्ड तो ब्रीड करा रहे हैं, इसके साथ हमारे और भी बहुत सारे, स्पेसिफिकली ये जो इवेंट है, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ लवबर्ड वालों के लिए नहीं है, ये तमाम एवी कल्चरिस्ट के लिए। मैंने सुना सर कुछ सरकारी ऑफिसर्स भी आ रहे हैं जिसमें कोई मिनिस्टर साहब भी हैं। हाँ जी, वो इसीलिए कि ये जो एक हॉबी है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक अच्छी इनकम जनरेशन भी कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को जब डेफिनेटली आपके कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हेड्स जो आएंगे तो और हमारा बूस्ट भी मिलेगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी जो पोजीशन है वो बेहतर। इस इवेंट के बाद हम एक्सपेक्टेड आउटकम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? आउटकम यही है जी कि जो कमिंग जो लवबर्ड के जो ईयर्स हैं और जो बाकी बर्ड्स में जो लोग जिनको पता ही नहीं है कि कैवी कल्चर बड़ी अच्छी हॉबी और बड़ी अच्छी इनकम जनरेशन है, उनको ये पता चलेगा कि हमने इसको ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग शौकीन हैं जिनको कोई रोड मैप कोई वो चीज़ नहीं मिल रही कि कैसे करें, इसीलिए इसमें जो 500 लोग हैं उसमें मोर देन 300 लोग वो हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, जो बिल्कुल नहीं हैं। एवियन लैब्स डॉक्टर फुरकान साहब,
सर माशाल्लाह आपको पिछले गेट टुगेदर में खिताबत दी गई थी जरदारी वाली, इसके ऊपर कोई रोशनी डाले सर? मलिक रियाज, सॉरी सॉरी सॉरी। बस सर हमारी शुरू से हमारा शेख साहब एक मोटो है कि अगर हम इस हॉबी को प्रमोट नहीं कर रहे ना, तो चूंकि हम तो डायरेक्टली हमने बर्ड नहीं रखे हुए, लेकिन अगर ये हॉबी नीचे जाएगी, बर्ड बिकना बंद होगा, तो डेफिनेटली जो इसके साथ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं वो भी फिर बैठेंगी। तो हमारी कोशिश होती है शुरू दिन से कि हम इसकी प्रमोशन के लिए काम करते रहें, और ये वाला जो इवेंट है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आप जैसे दो माशाल्लाह स्टार जो हैं इनके होते हुए किसी भी इवेंट में चार चांद लग जाते हैं। जहाँ पे ढिल्लू साहब होते हैं वहाँ पे बारी साहब होते हैं। बारी साहब कोई पैगाम? बाकी ढिल्लू साहब ने डॉक्टर साहब ने जी गल दसी है ठीक है, जेडे जेडे दोस्त ने इनवाइट हो आउण माशाल्लाह मजा आएगा। सारे सीनियर ब्रीडर भी होणगे, जूनियर्स भी होणगे, वड्डे तोते वाले, निक्के तोते वाले, सारे एविकल्चरिस्ट जेडे होणगे सारे इंशाल्लाह इकट्ठे होणगे, ते गपशप लावांगे, रोटी टुक्कर खावांगे, ते गवर्नमेंट भी आएगी उत्थे, गवर्नमेंट नूं भी कोई दस्सा पुछांगे कि जनाब साडी रिक्वेस्ट है कि ए ईजीली बाहर जाए ना। थैंक यू फॉर द इनविटेशन रहीम भाई। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। बस और नहीं बोलना सर, असीं तो बोल लेता इधर बारी साहब ने टुकर वाली गल की थी ना, बड़ी समझ आई है। देखो माशाल्लाह शाम का वक्त है और अभी तक हमारी डिस्कशन चल रही है। रहीम भाई मुझे ये बताएं, आपने अभी तक सबसे महंगा बर्ड कितने का बेचा? देखिए सबसे महंगा बर्ड तो बहुत महंगा बेचा है, मतलब आप वो जीरो नहीं, आप बर्ड का नाम ना बताएं, यानी कितने का? 2 मिलियन एक लव बर्ड। वाओ माशाल्लाह। और आपने जब से हॉबी शुरू की अब तक आपने कितने लव बर्ड ब्रीड करवाए? इस साल जो मेरा जो लास्ट सीजन है उसी में ही तकरीबन 1000+ बर्ड तो लास्ट सीजन मैंने ब्रीड करा। माशाल्लाह, खुद ही देख लेंगे, 9 साल तो हो गए तकरीबन। अगले 5 सालों में लव बर्ड में कहां पे देखते हैं? देखिए लव बर्ड इतना इंटरेस्टिंग है और इतनी सारी इसके म्यूटेशंस हैं कि अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि जो एग्जिस्टिंग म्यूटेशंस पे अगर हम बात करें तो उस पे ही अगर टाइम मिला, और इंशाल्लाह इस पे हम वीडियो भी करेंगे कि कमिंग 5 ईयर्स में लव बर्ड की एग्जिस्टिंग म्यूटेशन की क्या वर्किंग है, तो वो आई कैन राइट इट ऑन द पेपर। तो जितनी अपकमिंग म्यूटेशंस आ रही हैं, जैसे पहले येलो फेस का नहीं पता था, एक्वा का नहीं पता था, ब्रॉन्ज फेलो का नहीं पता था, और अब ये सारी म्यूटेशंस हैं। इसी तरह बहुत सारी म्यूटेशंस आने वाले सालों में आ रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं तो ये देख रहा हूँ कि लाइफ टाइम इंशाल्लाह। मुझे बारी साहब यहाँ से नजर आ रहे हैं, बारी साहब ने इशारा किया है कि टिल्लू साहब ने 20 लाख का एक तोता देता है, शेख साहब तुहानू भी गिफ्ट करेंगे, मैनू नजर आ रहे हैं। जज़ाक अल्लाह। मैं चलो 20 लाख का माशाल्लाह उन्हें वेचिया, ले भी तो बड़े बड़े महंगे, टाइम भी दिता, सब कुछ किया, सिर्फ टाइम बड़ी चीज़ है। शेख साहब दो म्यूटेशन जीडिया ने अजकल बड़िया इन ने ना, एक्वा तो येलो फेस, ठीक है। ये पिछे कुछ म्यूटेशन आई जीडिया थोड़िया जी डाउन हुई, जिमें अं कह सकते हैं ग्रेविंग, ठीक है, या दूसरा पैलेट पेल, ठीक है, एक 2 साल चले तो फिर डाउन हो गए। मैं ये गल दसो ढिल्लू साहब, सर थोड़े को सवाल है, ये मैं दसो तुम कि एक्वा तो जोड़ा येलो फेस है ये फ्यूचर वर्किंग, क्योंकि देखो ना और रिसेसिव जीन हो तो भी बड़े जे पैदा जाने ने, एक डोमीनेंट वो भी बड़े जे पैदा हो जाने ने ना, ठीक है। इस वजह तो ये कितने फ्लाप होता है, या थोड़ा की रेन आंदा कि जो एक्वा है ना वर्सन, वो तो एक प्रॉपर कलर म्यूटेशन है, जैसे ग्रीन ब्लू और पाब्लू कहते हैं ना, इसी तरह एक्वा एक ऐसा कलर है जो हर म्यूटेशन में ऐड होगा, तो इसकी इट्स लाइफ लॉन्ग। यानी कि जिस तरह अभी पाब्लू नू ऐड करने हर म्यूटेशन चीज, यानी कि अब पाब्लू अपग्रेडेशन, आप यूं समझे कि अगर आपके अल्बाइनो एक्वाज में एक्वा अल्बाइनो कैसा होगा, और बताएं पाकिस्तान में कितने लोगों ने लोकली प्रोड्यूस किया, और हम सब चाहेंगे कि हमारी एवरीन बर्ड से भरी हो, और लाखों का बर्ड नहीं तो ये वर्किंग करांगे जी, आज शुरू करना मैं ये इनो बना, बस मैं भी शुरू करना चाह रहा, मसला वो बर्ड नहीं है मेरे को, बर्ड नहीं है छतरी, सिफारिश कर दे यार बारी साहब, अल्लाह का बर्ड, हाँ वो बर्ड मेरे को ले लो, वो बर्ड आ जाएगा जी। और जो हम येलो फेस की बात कर रहे हैं तो येलो फेस रिसेसिव है, अगर आप एक बर्ड, मैं कहता हूँ रहीम भाई आप किस दिन हमें टाइम दें, हम आपके एवरी आकर एक तफसीलन एक व्लॉग पूरा आप पे करते हैं। डन डन, हमारी मीटिंग बड़ी कामयाब रही है माशाल्लाह बेहतरीन, इस वक्त मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, तो मैं कुछ प्रोटीन लेने के लिए अब अगली दावत पे जा रहा हूँ। ताड़ा जिहड़ा प्रोटीन लैवल डाउन हो रहा है ना शेख साहब, तो मैं पता चल गया सी, उस टाइम तो डुले डीजल गर्म हो रहे सी, प्रोटीन लैवल का माहौल जो गणी शनवारी आ गया, तो दुम्बे हाथ पाने का प्रोग्राम है,
यहाँ पे इंशाल्लाह चौधरी साहब का रंग काफी गोरा आ जाएगा। माशाल्लाह ये भी हमारे सर आपने लपड़ लगाए हुए, इन्होंने हमें आते ही पहचान लिया था। आपको पहचान लिया सर। तो आपने बर्ड्स रखे हुए या नहीं? जी थोड़े बहुत रखे हुए। क्या बात। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बॉस? मैं ऑनर। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह सर, फिर तो मेरा सीख कबाब फ्री हो गया। क्या बात क्या बात है। तो तू उठे बह के हुन उधर ही बैठा, हुन खाना नहीं खाना। 30 तारीख को फाइनल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 30 को रहने दो, जो हमने एक सरप्राइज वाला एक किया हुआ है जो आगे जा रहा है उसी को कर लो। सर वो 30 को भी होगा और 14 को भी होगा। तू नहीं जा रहा ना? जी चौधरी साहब। सर असल च प्रोटीन थोड़ी जी घटी सी, असीं अगे भी गल कीती सी, तो माशाल्लाह प्रोटीन शेक आ गया साडे सामने। चेक ते करना जरा थल्ले रख। सर केड़ा गोश्त वाला शेक तुसीं? सर इही ते असल प्रोटीन शेक है, लोकां नूं समझ नहीं आ रही। रोश ये गनी का स्पेशल रोश है जो प्रोटीन की कमी पूरी कर देगा। वाह जी वाह। तो साहब अच्छा भाई रोश के बाद टिक्का, और आप तो 7 अप भी पी चुके हैं, हजम कर लियो। तो टिक्का भी तो लेना। दुम्बे के बाद जी कावे का इंतजाम हो रहा है, घोड़ा आ चुका हुआ है हमारा। यार पाशा भाई आपने 7 अप पी लिए यार, दुम्बे के ऊपर जो है वो कावा पीते हैं? वो आखिर में पीते ना। अच्छा आखिर में पीते हैं। इस सर्द हल्के हल्के सर्द मौसम में है पाशा भाई कावा, ऐसे लग रहा है कि हम मरी बैठे हैं। वो कहाँ गए थे हम लोग? मजेदार माहौल और बेहतरीन खाना, तो शुक्रिया अदा करते हैं उमर भाई के जो कि सीईओ हैं इस शनिवारी का। और माशाल्लाह खुशी हुई है कि ये मेरे लवबर्ड की वीडियोस देखते हैं, तो मैंने कहा आज आपने अपने आप को देखना है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।